नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका। हम आज पढ़ रहे हैं दोस्तों वर्ग और वर्गमूल चैप्टर। चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। चलिए हम कुछ क्वेश्चन करके शुरू करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ मैं। इकाई पे अंक पूछ रहा है। एक है तो एक का एक होता है, 4 चौक 16 के 6, 6 छक 36 के 6, 2 दूनी 4 के 4, 7 सत्तू 49 के 9, 5 पंजे 25 के 5, 9 में 81 का 1, 8 2 64 का 4, 3 3 के 9, 0। ये होगा दोस्तों इकाई स्थान पर, सारे ही कर दिए। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। क्यों नहीं है दोस्तों, क्यों नहीं है ये पूर्ण वर्ग? क्योंकि दोस्तों अगर आप ध्यान दें, ये देखिए, जब आप वर्ग करते हैं, एक का क्या है दोस्तों, एक, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का दोस्तों 225, 16 का दोस्तों 256, 17 का 281, 18 324, 19 361, 20 400। दोस्तों आप कुछ देख पा रहे हैं इकाई पे कौन सी स्थान आए हैं? यहाँ पे, यहाँ एक आया है, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 10 तक पे मान ले, रुक जाते हैं, 4 1 0। दोस्तों यही फिर से रिपीट हो रहा है, यही दोस्तों फिर से रिपीट हुआ है। देखो 1 4 9 6 5 6, एक चार एक जीरो। दोस्तों यहां हमसे गलती हुई, कैसी नहीं है, 89, यहां पे 9 आया ना, यहां पे भी 9 आना चाहिए। तो आप समझ गए दोस्तों, कोई चीज स्क्वायर होगा तो इकाई में क्या कौन सा अंक आएगा, समझ गए दोस्तों? 1 से 10 तक वाले आप करके भी देख सकते हैं, ऐसे कौन सा अंक आएगा। 1 4 9 6 5, यही आएंगे दोस्तों, 0। 1 4 9 6 5 और 0, बस यही आ सकता है दोस्तों, 1 4 9 6 5 और 0। इकाई पे यही रहेगा, इसमें है कहीं 7 है, नहीं है स्क्वायर, 0 है। मगर ये 0 क्या है, 3 संख्या में है, 0 4 संख्या में होता है, ये तो स्क्वायर हो जाता। 3 है, 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 3 ही 0 है, एक और 0 होता तो देखते फिर, 2 नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, मगर ये स्क्वायर है तो 1 0 नहीं हो सकता, 2 0 हो सकते हैं कम से कम, जोड़े में होंगे 0। समझ गए दोस्तों, 1 4 9 6 5 और 0, यही बस हो सकते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? एक का एक इसका होगा, इसका भी होगा, इन दोनों का होगा दोस्तों, क्योंकि 1 का 81 का एक, एक का एक आएगा, 9 में 81 का एक आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दोस्तों एक पैटर्न चल रहा है, आपको इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और इस नंबर को भरना है, ऐसा ही इसमें भी करना। क्या दोस्तों आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा? बीच में हर बार 2 ही आ रहा है,
और जीरो की संख्या उतनी ही है जितनी नंबर में है उतनी दाएं बाएं जीरो की संख्या आ जा रही है। इसमें कितने नंबर में, चार, तो यहाँ पे चार आएंगे, इधर भी चार आएंगे ना दोस्तों। इसमें कितनी संख्या है, तीन, तीन छः, तो इसका आएगा एक, तीन, चार, पाँच, छः और फिर दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और एक। दोस्तों अगर हम आप कहें तो मैं इसको कैलकुलेटर में करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है दोस्त? पता नहीं इतना बड़ा नंबर लेगा भी ये कैलकुलेटर या नहीं। तीन, चार, पाँच, छः और फिर एक, इसका हमें करना है स्क्वायर। दोस्तों ले लिया है नंबर, तीन, तीन, छः, फिर दो और फिर तीन, तीन, छः, जीरो और एक। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी कोई पैटर्न है, मैं चाहता हूँ इसको आप पहचाने कि क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे जो ये जो गैप बना है इसमें ये पूछ रहा है कि क्या आएगा, ये आप ट्राई करिए, मेरे ख्याल से आप कर ले जाएंगे, इतनी पढ़ाई आप कर चुके हैं। लाओ दोस्तों यहाँ पे एक एक दो क्वेश्चन और कर देते हैं। हाँ दोस्तों आइए इन दो क्वेश्चनों को और कर देते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए, 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 कितना हो गया दोस्तों, 8 1 9, 9 9 18, 18 और 7 25, 26, 36, 36 और 13 49, ठीक है दोस्तों इसको लिख दिया मैंने। फिर किसको लिखना है, 121 को, ये कितने होंगे, 3 4 5 6 7, शुरू वाले 7 यूज किए हैं दोस्तों मैंने, ये 11 कह रहा है तो 13 तक तो 49 हुआ, इतना तो लिखी तो पहले। उनचास और 15 64, 64 और 16 17, 64 और 17 दोस्तों 64 7 71 10 81, 81 प्लस 19, 100 प्लस 21 हो गया दोस्तों, कितने हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डिजिट में 121 हो गया, सारे के सारे ऑड, ऑल ऑड, ऑल ऑड। ओके यहीं खत्म करते हैं, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।